मैं हूं शोभना गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव खबर। गाजियाबाद भाजपा लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की एक बेहद शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक सरकारी ऑफिसर को अपने कार्यालय में बुलाकर बिना किसी बात को सोचे समझे उसके साथ मारपीट की, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से भी मारपीट करवाई गई। मामला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह का है, जहां एक मुस्लिम होटल को बंद कराने के लिए विधायक नंदकिशोर गुर्जर भड़क गए। आपको बता दें कि पहले भी कई बार मुस्लिमों के लिए वे आग उगल चुके हैं। 2017 में डीएम को पीटते हुए डीएम की खाल में भूस भरने तक का विवादित बयान दे चुके हैं। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार नंदकिशोर गुर्जर पर क्या कार्रवाई करती है या अधिकारी की आवाज को ही दबा दिया जाता है। मैंने कहा आप कहाँ हैं, उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा कि ठीक है सर, चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे, तो मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कहे कि और दुकानें क्यों चल रही हैं, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा, और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको, कायदे से मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। तो इसी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता राजेश भास्कर की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर।